दोस्तों आज हम बात करेंगे संगीत और मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है उसी के बारे में। देखिए संगीत का मैथमेटिक्स से गंभीर रिश्ता है। देयर इज अ वेरी डीप कनेक्शन। आई वॉन्ट से कनेक्शन, म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स आर द सेम थिंग। दोनों सेम ही चीज है। म्यूजिक इज एन एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ, लाइक इट इज नॉट समथिंग विच इज मेटाफिजिकल और इन आवर थॉट्स। इट इज एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, इट इज अ ट्रूथ विच रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर 12 नोट्स, देयर आर 12 नोट्स, सी सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए ए शार्प, बी सी। तो दीज आर द 12 नोट्स। अगर हम सा में गाए, सारे गामा में, सारे रे गा गा मा मा पा धा धा नी नी सा, तो यह है 12 नोट्स। तो द रिलेशन बिटवीन वन नोट एंड द अदर नोट इज मैथमेटिक्स ओरिएंटेड। मतलब एक नोट से दूसरे नोट का जो रिश्ता है उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है। जैसे सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नोट इज एन, देन द नेक्स्ट नोट, ये अगर सा है तो नेक्स्ट नोट इज कोमल रे, नेक्स्ट नोट होगा 12th रूट टू द पावर 2 इंटू एन। और ये अगर कोमल रे है तो इसका जो बाद जो नोट है, मतलब शुद्ध रे, वो होगा इसके साथ, मतलब 12th रूट 2 टू द पावर 2 एन इंटू 12th रूट 2 टू द पावर 12th रूट ऑफ 2। दिस थिंग इज 12th रूट ऑफ 2 स्क्वायर। जो अगला नोट है, द नेक्स्ट नोट इज अगेन दिस इंटू 12th रूट ऑफ 2। मतलब अगला नोट होगा 12th रूट ऑफ 2 क्यूब एन। सिमिलरली इसके बाद जो अगला नोट है वो होगा 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 4। लाइक दिस यू गो ऑन। और जो 12 नंबर जो नोट आएगा, 12th नोट इज एक्चुअली 2 टू द पावर 12 ऑफ एन। नाउ 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 12 इज एक्चुअली 2। सो दैट मीन्स हमने शुरू किया था एन से और हम आ गए 2n में। मतलब फ्रीक्वेंसी हैज बीन डबल्ड। लाइक हमने शुरू किया सा और ये है सा, सो दिस हैज बीन डबल्ड। तो आपने देखा कि जो नोट्स है उसके बीच में मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल इक्वेशन है, दे आर रिलेटेड मैथमेटिकली। तो म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, इसका म्यूजिक इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ ए मैथमेटिकल ज्योमेट्री। इफ दिस मैथमेटिक्स इज एक्सैक्टली मैप टू द फ्रीक्वेंसी, देन समथिंग एक्स्ट्रा हैपन्स। दैट समथिंग इज विच वी से व्हेन म्यूजिक टचेस अस। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए। दिस इज जस्ट एन अमेजिंग फैक्ट विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। दोस्तों मैं हूं शैकत सिन्हा और आप देख रहे हैं म्यूजिकल डॉक्टर्स। अगले दिन मैं फिर कुछ ऐसा अमेजिंग फैक्ट्स लेके आऊंगा आपके सामने। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।